प्रैक्टिस क्या होती है? प्रैक्टिस किसी चीज को बार बार किया जाए, कितनी बार किया जाए, जब तक वो आने ना लगे। यार प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हिल गए हैं प्रैक्टिस से, बहुत बड़े बड़े उदाहरण है प्रैक्टिस के। मेजर ध्यानचंद एक ऐसा ही नाम जिसको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। प्रैक्टिस कहां करते थे? बैट और बॉल को लेके रेलवे ट्रैक पे जाते थे, रेलवे की जो पटरी होती थी ना उस पे बॉल को ऐसे 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 लहराते थे, बैलेंस बनाते थे। ओलंपिक खेल रहे हैं, बैट और बॉल का ऐसा बैलेंस बना हुआ है कि अदर टीम को शक होने लगा। उन्होंने जो उनकी स्टिक थी उसको तुड़वा के देखा कि कहीं इसके अंदर मैग्नेट तो नहीं, ऐसे चिपका के कैसे चल रहे हैं। स्टिक के अंदर मैग्नेट नहीं मिली, क्या मिला? प्रैक्टिस। स्टिक के अंदर प्रैक्टिस थी, इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया। ओलंपिक खेल रहे थे, हाफ टाइम हो गया, एक भी गोल नहीं, सिंगल गोल नहीं, हाफ टाइम निकल गया। उनकी टीम ने कहा यार ऐसे तो हम मैच हार जाएंगे, कुछ तो करो, कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैच रोक दो और इस गोल पोस्ट को चेक करो, इसमें कुछ गड़बड़ है। उनके दोस्तों ने कहा यार ये ओलंपिक है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या पागल हो गए हो? बोले मैं कह रहा हूं गोल पोस्ट को चेक करवाया जाए, इसमें कुछ गड़बड़ है। मेजरमेंट जब करवाया गया गोल पोस्ट 2 फीट छोटा निकला, गोल पोस्ट 2 फीट छोटा निकला। क्या था? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहां से आया? प्रैक्टिस से। समझने वाली बात क्या? समझने वाली बात यह है कि यार आप जब पढ़ाई करते हो तो कोई एक ऐसा टॉपिक या फिर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आपका इतना वीक होता है कि उसमें मार्क्स कम रह जाते हैं, होता है ऐसा। प्रैक्टिस इतनी करो कि वो सब्जेक्ट या फिर वो टॉपिक इतनी अच्छे से आने लगे कि आपकी वहां पे उस पर्टिकुलर फील्ड में कमांड बहुत तेज हो जाए। मेजर ध्यानचंद का नाम, असली नाम क्या है? मेजर ध्यान सिंह। ध्यानचंद कैसे पढ़ा? वो रात के चंद्रमा में प्रैक्टिस करते थे, तो उनके दोस्तों ने उनके नाम के आगे चंद्र लगा दिया। तो प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है। डू प्रैक्टिस, लेट्स क्रैक इट।